छात्र एवं छात्राओं, मैं आज आपको भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत मैं कौटिल के बारे में आज अध्ययन करूंगा और आप सबको बताऊंगा कि भारतीय राजनीतिक विचारक के महान विभूति के रूप में आचार्य कौटिल्य का नाम जाना जाता है, जिनकी जीवन दर्शन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उनके द्वारा बताए गए राजनीति विज्ञान के उन पहलुओं पर अध्ययन करेंगे, वो वक्तव्य पर अध्ययन करेंगे जो उन्होंने कहा था और जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी, चिंतन में एक नया प्रभाव लाया, उन सब की बात आज हम करेंगे। आइए देखते हैं कि आचार्य कौटिल्य का जीवन दर्शन क्या है। मौखिक तौर पर तो हम देख लेते हैं, व्यवहारिक तौर पर तो हम देख लेते हैं कि आचार्य कौटिल्य के जन्म को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। आज भी एक्यूरेट क्लियर कोई ना तो उनके जन्म की तिथि किसी को पता है और ना ही कोई जन्म के स्थान उनके स्थित है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अनुमानन हमने बताया है, अनुमानन हम लोग लगाते हैं कि अलग अलग हिस्से में इसका इनके जन्म के बारे में बताया जाता है, इनके जन्म की बात कही जाती है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि आचार्य कौटिल्य का जन्म लगभग 400 ईसा पूर्व नेपाल के तराई के आसपास हुआ था, कुछ मगध के पास मानते हैं, कुछ मैसूर के पास मानते हैं, तो इसको लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसी तरह जन्म की बात करें तो जन्म की भी विवाद की स्थिति है। कोई कहता है 400 ईसा पूर्व में हुआ है, तो कोई कहता है 325 ईसा पूर्व में हुआ है, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो उन सबको हम आपके सामने इस क्लास के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं। आइए देखते हैं आचार्य कौटिल्य के नाम को लेकर भी स्थितियां मतभेद के रूप में होती हैं, तो प्रमुखता हम उनको तीन नामों से जानते हैं, जिनका पूर्ण नाम है आचार्य विष्णुगुप्त, आचार्य कौटिल्य और आचार्य चाणक्य। तो तीन नामों से जाने जाते हैं। अब हम चर्चा करें कि आचार्य कौटिल्य का मूल नाम क्या था, जन्म का नाम क्या था। तो मूल नाम की जब चर्चा की जाती है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य कौटिल्य का जन्म का जो नाम था वो विष्णुगुप्त था। और अगर चाणक्य की बात की जाए, चाणक्य क्यों पड़ा, तो इनके पिताजी का नाम चणक था, चणक के नाम से इनके नाम के आगे चाणक्य जुड़ा। अब चर्चा करते हैं कि कौटिल्य इनका नाम क्यों पड़ा। तो कौटिल्य की जब चर्चा की जाए तो कुटिल गोत्र होने के कारण इनका नाम कौटिल्य पड़ा। इनके द्वारा महान पुस्तक लिखी गई जिसकी चर्चा हम कर सकते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की है, जिसमें लगभग 6000 श्लोकों की रचना की है इन्होंने। अर्थशास्त्र नाम की अर्थशास्त्र पुस्तक है, परंतु उसमें सब राजनीति से अर्थात शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया गया है, कश्मीर के शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया गया है। तक्षशिला का जो प्राचीन कालीन विश्वविद्यालय था वहां से जो शासन प्रशासन की व्यवस्था की गई थी, उन सब की चर्चा हम इसके अंतर्गत करते हैं। वहीं का उल्लेख उन्होंने अपने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में किया है। तो आइए देखते हैं अर्थशास्त्र आचार्य कौटिल्य से जुड़ी हुई अन्य घटनाओं की भी चर्चा करते हैं, फिर हम जानेंगे कि आचार्य कौटिल्य का व्यक्तित्व कितना महान था, कितने वो उपयोगी सिद्ध हो रहा है आज के जीवन में, उन सब की चर्चाएं आगे क्रम में हम करते हैं। आचार्य कौटिल्य की जब हम बात करें, उसकी जब हम चर्चा करते हैं, तो देखते हैं कि आचार्य कौटिल्य का जो मार्गदर्शन रहा, जो राजनीतिक क्षेत्र रहा, जिसकी हम विस्तार से चर्चा करते हैं, जानते हैं कि उनके स्वभाव की स्थिति क्या थी, वो कितने क्रोधी प्रवृत्ति के थे, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा था और दृढ़ निश्चय करना तो उनके स्वभाव में बसा हुआ था। एक कथा के रूप में कहा जाता है कि आचार्य
कौटिल इतने क्रोधी प्रवृत्ति के थे कि वो जो ठान लेते थे उसको कर गुजरते थे। इतिहास में इसकी चर्चा होती है कि आचार्य कौटिल चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक के रूप में रहे, उनके महामंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है। इनसे जुड़ी हुई जो एक कथा है जिसकी चर्चा हम इस क्लास के माध्यम से करते हैं और देखते हैं कि आचार्य कौटिल कितने क्रोधी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने कौन कौन से विधि को अपनाया था। उस समय वहां के राजा महापद्मानंद थे, महानंद नंद वंश के शासक महापद्मानंद थे और वहीं का मंत्री सकटार था। मंत्री और महाराजा में आपसी मतभेद थे तो एक समय की बात है, श्राद्ध का निमंत्रण देने के लिए घनानंद ने आदेश दिया कि समस्त ब्राह्मणों को इस श्राद्ध के अवसर पर भोजन कराया जाए। तो मंत्री ने उस श्राद्ध के निमंत्रण में कौटिल को भी आमंत्रित किया, जबकि मंत्री सकटार को पूर्णता ज्ञात था, पहले से ज्ञात था कि महाराजा घनानंद कुरूप व्यक्ति से बहुत चिढ़ते हैं। उन्होंने जानबूझकर कौटिल को इस श्राद्ध के निमंत्रण में आमंत्रण दिया और सबसे पहले जो प्राथमिक दर्जे की जो सीट होती है उस पर कौटिल को उन्होंने आसन ग्रहण करवाया। जब राजा दरबार में आते हैं तो देखते हैं कि कौटिल क्रूप प्रवृत्ति के थे, क्रूप सुंदर नहीं थे, तो उनको देखकर महाराजा ने प्रश्न कर बैठे कि मंत्री एक किस चांडाल को हमारी सभा में निमंत्रण दे रखा है, ये तो सकल से ब्राह्मण नहीं चांडाल लगता है। इतना सुनकर कौटिल क्रोधित हो गए और उन्होंने वहीं से अपनी जटा अर्थात जो केस जो है खोल दिया और प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं इस नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं इस केस को नहीं बांधूंगा। तो बच्चों इससे साफ जाहिर होता है कि आचार्य कौटिल कितने दृढ़ निश्चयी थे, जो सोच लेते थे वो कर जाते थे। अंततः उन्होंने चंद्रगुप्त के शिक्षक के रूप में कार्य किया, उनका अध्ययन अध्यापन कराया, उसके बाद घनानंद की कुर्सी को चंद्रगुप्त के हाथों में दिलाकर चंद्रगुप्त के मंत्री के रूप में कार्य किया। तो सारांश है, एक उनसे जुड़ी घटना है, एक कथा है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आचार्य कौटिल बड़े दृढ़ निश्चयी, बड़े कुटिल पवित्र के थे। उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही महानतम था। अगर हम कहें उनकी एक बात और खास आती है, देखा जाता है कि भारतीय समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था के बहुत ही प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था अगर सही तरीके से कार्य करेगी तो समाज को सही तरीके से मार्गदर्शन दिया जा सकता है। इस आधार पर वो कह सकते हैं कि आचार्य कौटिल कुटिल प्रवृत्ति के होते हुए भी उन्होंने वर्ण व्यवस्था का पूरा समर्थन किया है, उसका समर्थन किया और उसी आधार पर समाज की स्थापना करने की बात कही है। आइए देखते हैं उनके जीवन दर्शन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, जिन कुछ बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं और आगे प्रकाश डालते हैं। अगर हम जिक्र करें यहां पर तो साफ साफ लिखा है कि आचार्य कौटिल का कौटिल नाम कोटल गोत्र होने के कारण पड़ा है, जिसका मैंने आपने व्यवहारिक रूप में आपसे चर्चा की है कि कोटल गोत्र होने के कारण उनका नाम कौटिल पड़ा है। दूसरी चीज मैंने अभी आपसे चर्चा की, भारतीय समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था तत्कालीन, उस समय जो भारतीय समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था थी
उसके वो पक्के समर्थक थे, अर्थात उनका पूरा मन था उसके समर्थन करने में, पूरी अपनी पूरा समर्थन देते थे। अगले रूप में देखें तो वो एक कुशल शिक्षक के रूप में भी कार्य किया है, वो एक कुशल शिक्षक भी थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक के रूप में कार्य किया। चंद्रगुप्त मौर्य को के शासन काल में वो महामंत्री के पद पर भी रहे, उनके मार्गदर्शन करते रहे, उनके द्वारा मौर्य साम्राज्य को विस्तार किया उन्होंने। अब आगे चर्चा करें तो लिख सकते हैं कि वो चंद्रगुप्त के शिक्षक होने के साथ साथ उनके शिक्षक भी थे और साथ साथ उनके मंत्री भी रहे। अगर हम प्राचीन राजनीति की बात करें, पाश्चात्य राजनीति जगत की बात करें, तो देखते हैं कि अरस्तु का जब नाम आता है तो अरस्तु सिकंदर के गुरु भी थे और उनके सहयोगी कर्ता भी के रूप में जाना जाता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इन सबका अध्ययन किया जा सकता है, इनकी चर्चा की जा सकती है। आइए देखते हैं अगले बिंदु में कि कौटिल्य की चर्चा की गई है और इसमें बताया गया है कि वो क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे, अर्थात तो क्रोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिनसे जुड़ी हुई मैंने आपके सामने एक घटनाएं पेश की, एक कथा पेश की। इससे आपको जाहिर हो गया होगा कि वो कितने दृढ़ निश्चयी और कितने क्रोधी प्रवृत्ति के थे। निपुणता की बात करें तो निपुणता के मामले में सर्वश्रेष्ठ थे, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। आगे दृढ़ निश्चय की बात की तो मैंने कह दिया कि उस कथा के माध्यम से बताया गया कि दृढ़ निश्चय उन्होंने ठान लिया था कि मैं जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी केस को नहीं बांधूंगा। तो इस आधार से कह सकते हैं, बिंदु के माध्यम से हम कह सकते हैं कि कौटिल्य कितने क्रोधी और दृढ़ निश्चय व्यक्ति थे, जिन्होंने एक बार ठान लिया वो कर बैठते थे। आइए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आचार्य चाणक्य कितने होनहार और कितने कुशल व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, कितने कुशल शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। बच्चों ने अभी आपके बारे में आप सबको मैं अवगत कराया कि आचार्य कौटिल्य कितने मैं आज की क्लास में अभी आपको मैंने बताया कि आचार्य कौटिल्य कितने महान दार्शनिक के रूप में इनकी चर्चा की जाती है, इनका उल्लेख किया जाता है। अगर हम इनकी तुलना करें तो प्लेटो और मैकियावेली से भी इनकी तुलना की जा सकती है। ठीक वैसे ही विचारक के रूप में इन्होंने कार्य किया है, जैसे मैकियावेली और प्लेटो का नाम प्रसिद्ध रूप से आता है। अब आगे हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे भारतीय राजनीतिक विचारक को, भारतीय राजनीति को इन्होंने एक ऐसा मार्गदर्शन प्रदान किया है जो कि सदियों तक उनके मार्गदर्शन के बताए हुए रास्ते पर, उनके मार्गदर्शन किए गए रास्ते पर सदैव चलते रहेंगे। आइए देखते हैं कि इससे जुड़ी हुई आगे क्रम में कौन सी जानकारियां हैं और क्या क्या ये सुसज्जित तरीके से राजनीति को एक नई दिशा दे रहे हैं। अगर हम इनके बारे में चर्चा करें तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, जिसका उल्लेख कश्मीर के क्षेत्र को किया गया था, वहां की शासन व्यवस्था को की गई थी, उस पर इन्होंने विस्तार से अध्ययन किया था, विस्तार से लिखा था कि वहां की शासन व्यवस्था क्या होगी, वहां का जो न्याय व्यवस्था क्या होगी, वहां की राज्य व्यवस्था क्या होगी, वहां का आर्थिक स्थिति क्या होगी, वहां की भौगोलिक स्थिति क्या होगी, उन सब की चर्चा इस अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने किया है। देखने में तो अर्थशास्त्र, अर्थात आज के युग में अगर हम इसकी कल्पना करें, नाम से कल्पना करें तो लगता है कि अर्थशास्त्र का मतलब है कि ये इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है, अर्थात कि मुद्राओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, अर्थ से जुड़ा हुआ क्षेत्र, धन और संपदा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इससे संबंधित कार्य हुए होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। जब हम वास्तविक चर्चा करते हैं तो इसमें देखते हैं कि नाम के अर्थशास्त्र है, लेकिन अगर काम की बात की जाए तो इसमें पूरा राजनीति शास्त्र भरा हुआ है। शासन व्यवस्था की बात की गई, राज्य व्यवस्था की बात की गई, दर्शन की बात की गई है, दंड की बात की गई है, स्थिति की बात की गई, भौगोलिक स्थिति की बात, यानी एक जो राज्य में जो प्रक्रियाएं होती है, राज्य के अंतर्गत जो जो कार्यशैली होती है,
उन सब का उल्लेख अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में इन्होंने किया। इसी में इन्होंने जिक्र किया है कि अर्थशास्त्र को इन्होंने लगभग 6000 श्लोकों में विभाजित किया। इसमें 6000 श्लोक वर्णित हैं, जिसकी चर्चा इन्होंने हम कर रहे हैं आज कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। और उसके साथ साथ अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करें, मृत्यु स्थान की बात करें कि कब जन्म हुआ कौन मृत हुआ, तो जैसे कबीर और तुलसी के बारे में ये निश्चित नहीं हो पाया कि कब इनका जन्म है, कहाँ हुआ, इनके माता पिता क्या है, वैसा इनका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है कि कब इनके जन्म हुआ, कब इनके मृत्यु हुई और कहाँ पर हुआ, ये कोई निश्चित नहीं है। सब लोग अनुमानन अपना ही लगाते हैं कि यहाँ पर इनका जन्म हुआ होगा। कोई कहता है कश्मीर में, कश्मीर के इन्होंने शासन व्यवस्था के बारे में जानते थे, वहां पुस्तकों का उल्लेख किया है तो वहां पर इनका जन्म हो सकता है। कोई कहता है नेपाल की तराई में इनका जन्म हुआ, कोई कहता है कर्नाटक के मैसूर में जन्म हुआ। तो इनके जन्म संबंधित विवाद की स्थिति बनी हुई है। अगर और आगे हम चर्चा करें तो मृत्यु के बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिला है। और चर्चा करें इनके जन्म की बात, कोई 400 ईसा पूर्व मानता है तो कोई 325 ईसा पूर्व मानता है, इसमें भी मतभेद की स्थिति बनी हुई। तो आज हम आपको इस क्लास में आचार्य कौटिल्य के जीवन दर्शन के बारे में लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपको एक समग्र जानकारी के रूप में कौटिल्य के जीवन दर्शन से जुड़ी हुई जानकारी के रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास रुचिकर लगी होगी और अच्छी लगी होगी। अगले क्लास में यानी अगले क्रम में हम आपको कौटिल्य से जुड़े हुए एक टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होते हैं और उसमें आपको बताएंगे कौटिल्य ने किस शासन व्यवस्था की क्या व्यवस्थाएं की थी, सप्तांग सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादित किया था, मंडल सिद्धांत की कैसे व्यवस्था की है, षाडगुण नीति क्या है, इन सबको हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे और जानेंगे आचार्य कौटिल्य की राजनीति का क्या प्रभाव हम पर, आप पर, यहाँ भारतीय राजनीति पर पड़ा है, उन सब की चर्चा हम करते हैं। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।